अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आसिम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक वेबसाइट को रन कर रहे हो, एक आप वेबसाइट ऑनर हो और आप अपनी वेबसाइट से डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर कोई पर्सन जो है वो आपकी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करता है या उसको स्टील करने की कोशिश करता है और उसको कहीं अपनी वेबसाइट पर प्लेस करता है, तो देन यू कैन गॉट अ नोटिफिकेशन। ओके, जैसे को पर्सन जो है आपकी वेबसाइट में से कंटेंट जो है वो कॉपी करेगा, आपको साथ ही जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट है और डिफरेंट आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। आपने जो आपकी अपनी वेबसाइट होगी आप उसको ओपन करोगे और आप अपने किसी भी जो भी कंटेंट लिखा होगा उसको ये आर्टिकल ओपन कर लोगे। ओके, लाइक मैं ये छोटा सा पीस कॉपी करता हूँ, आप अपने आर्टिकल में से कोई भी एक छोटा सा चंक जो आप समझते हो कि अगर इसको कोई रीराइट भी करेगा तो इतना अफेक्ट नहीं होगा, इतने सेंटेंस जो है ना वो मेरे चेंज नहीं होंगे। ओके, आपने वो स्पेसिफिक पीस जो है वो अपने आर्टिकल का उठा लेना है। और अगर मैं इसको गूगल पे चेक करूँ कि ये किसी वेबसाइट में यूज हो रहा है या नहीं, ओके, अगर मैंने इस पीस कंटेंट का जो एक पैराग्राफ है उसको मैंने चेक किया है तो डेफिनेटली ये breastlink.com उसी पे यूज हो रहा है। ओके, सो इससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये स्पेसिफिक जो है वो इसी वेबसाइट का कंटेंट है, इस ये कंटेंट की किसी और वेबसाइट पे नहीं है और इस कंटेंट को कोई और वेबसाइट यूज नहीं कर रही। ओके, तो सिंपल आपने करना चाहे जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आप वेबसाइट चला रहे हो, आप उसको की कोई भी आर्टिकल ओपन करते हो और उसमें से जो है वो आपने एक शॉर्ट कंटेंट उठा लेना है जो आप समझ लाए, अगर कोई पर्सन है वो आपका ये सारे का सारा कॉपी करने की ट्राई करता है। ओके, तो आप इसमें से कोई भी उठा के इसको सर्च आउट करो और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आपने जाना है गूगल अलर्ट पे। ओके, गूगल अलर्ट पे जाके आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने वो जो पीस आपका होगा, जो आपने कंटेंट उठाया होगा, वो आपने यहाँ पे करना है प्लेस। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे जस्ट प्लेस करता हूँ तो वो नीचे ड्रॉप डाउन में हमें शो करता है, नीचे शो करता है कि लाइक दिस रिजल्ट्स ऑलरेडी कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, ये इस वेबसाइट्स पे ऑलरेडी यूज हो रहा है क्योंकि वो ब्रेसलेट ही है तो वो सिर्फ ब्रेसलेट पे ही यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं कि अगर आपका ये वाला कंटेंट जो है कोई भी यूज करता है आप अपनी वेबसाइट पे, तो आप उसको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए। एज इट हैपन, लाइक वो जैसे ही उसको कॉपी करता है साथ ही जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज का जिक्र है, लैंग्वेज है डेफिनेटली इंग्लिश है, रीजन आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी रिजल्ट्स, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ऑल रिजल्ट्स को। ओके, और यहाँ पे जो है वो आप जिस जीमेल से लॉग इन करेंगे और उसी ईमेल पे आपको वो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, यहाँ पे जस्ट आप क्या करते हो, क्रिएट अलर्ट, तो आपका क्या होगा कि अलर्ट ऑलरेडी मेरा एडिड है तो वो आप जो नया ऐड करोगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसको एडिट करता हूँ, इस वाले चंक को आपने डबल कॉलन लगाने हैं स्टार्ट पे और एंड पे। ओके, तो अगर मैं ये करता हूँ तो डेफिनेटली वो जिस जहां पे यूज हो रहा है सिर्फ ब्रेसलिक पे यूज हो रहा है। ओके, और इसको मैं करता हूँ शो ऑप्शन, ऑप्शन सेटिंग आपने वही रखनी है और जस्ट यहाँ पे करना है क्रिएट अलर्ट पे। तो आप क्या करते हो, इसी तरह स्पेसिफिकली जो है आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उनके छोटे छोटे चंक्स उठा के आप इस तरह जो है वो गूगल अलर्ट्स में ऐड करते जाते हैं। ओके, सो जैसे ही आपके सारे के सारे ऐड हो जाएंगे तो जब भी कोई लाइक ये वाला जो पीस है कोई भी आप यहां से उठाता है और इसको एज इट या थोड़ा सा रीराइट करके भी अपनी वेबसाइट्स पे मेंशन करता है, देन यू कैन गॉट अ नोटिफिकेशन। ओके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइक ये वाला जो चंक है ये आपका इसने कॉपी किया हुआ है, और एट द टाइम जैसे ही वो पब्लिश होगा और गूगल में इंडेक्स होगा, गूगल को पता चलेगा, तो देन यू कैन गॉट अ नोटिफिकेशन। ओके, इसी तरह जो है वो आप डिफरेंट जो है आर्टिकल्स को, लाइक अगर मैं सेकेंड आर्टिकल ओपन करता हूँ, आप सेकेंड आर्टिकल जो है इसको भी आप इसी तरह उठा के इसका भी जो अब पीस है छोटा सा, लाइक आप सेंटर से उठा लें या कहीं से भी उठा लें, आप एक आर्टिकल के दो तीन चंक्स को भी बना सकते हैं। ओके, लाइक मैं ये उठा लेता हूँ
and we go here, enter, and this will also show like ये सिर्फ breast leaks पे है, okay? Show options, जितने भी options हैं आप उनको कर सकते हो change and create alert, okay? एक और alert, like मैंने यहाँ पे अपना तीन अपने तीन articles को mention कर दिया हुआ है कि जैसे ही कोई भी person मेरे इन तीन articles में से content उठाएगा तो मुझे notification मिल जाएगा, okay? There's a simple process to get a notification when someone copied your content, okay? Hope you like this video. So thank you so much. See you in the next video, inshallah.